प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। दुनिया में एकमात्र पुस्तक ऐसी है, एकमात्र संहिता ऐसी है जिसकी जयंती मनाई जाती है, जिसका जन्मदिवस मनाया जाता है। दुनिया में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, सबको नमस्कार है, सबका धन्यवाद है, सबको सम्मान है, लेकिन गीता तो गीता है और इसीलिए इसकी जन्म जयंती मनाई जाती है, क्योंकि यह हर बार नई होती जाती है, हर बार नवीन होती जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन को गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि उपदेशों का जीवंत स्वरूप है, इसलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। गीता के उपदेश 5000 साल पहले जितना काम करते थे, 5000 साल बाद उससे ज्यादा काम करते हैं। यानी इतने साल बीत गए, फिर भी गीता का हर श्लोक, हर उपदेश आज भी उतना ही कारगर है। इसके उपदेश आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने पहले थे, हर काल में जीवित रहती है, इसीलिए इसकी जयंती मनाई जाती है। गीता जयंती के दिन गीता का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे आपको मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है। गीता के पाठ से जीवन की ज्ञात और अज्ञात समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आप जीवन में कभी भी कठिनाई में पड़िए, आप गीता की पुस्तक जहां से मन करे वहां से खोल लीजिए, जहां से मन करे, और जो श्लोक सामने आए उसको पढ़िए, आपको समाधान मिल जाएगा। कोई भी समस्या हो जीवन की, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, आपको हर तरह की समस्या का सही समाधान बिना किसी लाग लपेट के अगर कहीं मिलेगा तो वो गीता में मिलेगा। और गीता पे तमाम विद्वानों ने, तमाम आचार्यों ने अपनी व्याख्या भी लिखी है, तो आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं अगर आपको सही व्याख्या मिले। नहीं तो जो ओरिजिनल गीता है जिसमें श्लोक और उसके अर्थ दिए होते हैं, एक एक श्लोक को पढ़िए और उसको सोचिए एक एक दिन तक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गीता को जीवन में उतार पाएंगे, और जब गीता आपके जीवन में उतरेगी तो आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। भगवत गीता की पूजा गीता जयंती पर कैसे करेंगे? एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइएगा, इस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र रखिए, लाल या पीले कपड़े में लपेट कर गीता की एक नई पुस्तक, एक नई प्रति स्थापित करिए। फल, मिठाई और पंचामृत भगवान कृष्ण को समर्पित करिए। इसके बाद पहले भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करेंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु मानकर उनकी पूजा करेंगे। इसके बाद गीता का पूरा पाठ करिए, आराम से 2-4 घंटे लगेंगे, आराम से पूरा पाठ करिए। अगर पूरा पाठ नहीं कर पाते तो गीता के 11वें अध्याय का, जिसमें भगवान कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन है, 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। इसके बाद गीता जी की आरती करिएगा और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करिएगा। दुनिया में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, बहुत सारे धर्माचार्यों की, धर्म गुरुओं की भी पूजा होती है, लेकिन जो आश्वासन कृष्ण ने गीता में दिया है ईश्वर बनकर के या ईश्वर के स्वरूप में आकर के, वो आश्वासन आपको कहीं नहीं मिल सकता। कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयंतो माम ये जनाह परियुपासते,
तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं, अर्थात जो उनके पास नहीं है वो उन्हें प्रदान करता हूं और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। एक और श्लोक में कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्म परित्यजम मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सुच। यानी सारे रास्ते छोड़ करके अगर मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं जो भगवद गीता में उन्होंने दिया है। इसलिए साल भर तो शायद ही आप पढ़ते हों लेकिन कम से कम गीता जयंती के दिन एक बार आत्मा से प्रेम से हृदय से गीता पढ़ने का प्रयास जरूर करिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।